हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हब। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वीकली करंट अफेयर्स 7 से 13 अक्टूबर 2020 के टॉप 55 क्वेश्चंस। अगर आपने हमारे चैनल एजुकेशन हब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020 के लिए कौन सा नोबेल पुरस्कार रोजर पेनरोज, रिनहार्ड किंजेल और एंड्रिया केस को देने की घोषणा की गई है। इसका सही आंसर है भौतिकी नोबेल पुरस्कार। रोजर पेनरोज, रिनहार्ड किंजेल और एंड्रिया केस को ब्लैक होल और मिल्की वे के रहस्यों को सामने लाने के लिए नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। वर्ष 1901 से लेकर अब तक 113 बार 212 लोगों को फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार दिया गया है, जिसमें से जॉन बार्डिन को 2 बार इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी LGBT सेल वाली भारत की कौन सी राजनीतिक पार्टी बन गई है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पहली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय निशानेबाज यशस्विनी सिंह देशवाल ने हाल ही में कौन से अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन निशानेबाजी में गोल्ड मेडल जीता है। इसका सही आंसर है 5वीं। यशस्विनी सिंह देशवाल ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। इस प्रतियोगिता को shooting.com ने आयोजित किया था। टोक्यो ओलंपिक का कोटा हासिल कर चुकी यशस्विनी ने 241.7 अंकों के खिताब के साथ जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूर्व केंद्रीय मंत्री काजी रशीद मसूद का हाल ही में कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 73 वर्ष। पूर्व केंद्रीय मंत्री काजी रशीद मसूद का हाल ही में 73 वर्ष की उम्र में कोरोना वायरस से संक्रमित होने की वजह से निधन हो गया है। वे मसूद लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कब से स्कूल खोलने के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 15 अक्टूबर। हमारा 6th क्वेश्चन है, विराट कोहली किस लीग में एक टीम के लिए सबसे ज़्यादा कितने T20 मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 197 मैच। विराट कोहली ने इंग्लैंड के क्लब समरसेट के लिए 196 मैच खेलने वाले जेम्स हिल रेत का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जबकि कप्तान महेंद्र सिंह धोनी 189 मैच के साथ चौथे स्थान पर हैं। 7th क्वेश्चन है हमारा, जीनोम एडिटिंग की एक पद्धति विकसित करने के लिए 2 महिला वैज्ञानियों को किस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, केमिस्ट्री नोबेल पुरस्कार। हमारा 8th क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला पहलवान दंगल गर्ल बबीता फोगाट ने किस राज्य के उप खेल निदेशक के पद से इस्तीफा दे दिया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हरियाणा। 9th क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय कैबिनेट ने किस शहर के वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर परियोजना के संशोधित लागत को मंजूरी दे दी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कोलकाता। वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर परियोजना की अनुमानित लागत 8,575 करोड़ रुपए और पूरा होने की लक्ष्य तिथि दिसंबर 2021 है। इस परियोजना के कुल रूट की लंबाई 16.6 किलोमीटर है, जिसमें 12 स्टेशन हैं। 10th क्वेश्चन है हमारा, मशहूर गिटारिस्ट एडी वैन हेलन का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 65 वर्ष। 11th क्वेश्चन है हमारा,
42वीं जीएसटी काउंसिल बैठक में सरकार ने सभी राज्यों को लगभग कितने करोड़ रुपए का उपकर मुआवजा आवंटित किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 20,000 करोड़ रुपए। 12th क्वेश्चन है हमारा, 8 अक्टूबर को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय वायु सेना दिवस है। आज़ादी से पहले वायु सेना को रॉयल इंडियन एयरफोर्स कहा जाता था, जबकि 1 अप्रैल साल 1933 को वायु सेना के दस्ते का गठन हुआ था। 13th क्वेश्चन है हमारा, अपने सभी खेल प्रशिक्षकों से किसने एक वर्ष में 2 बार फिटनेस टेस्ट कराने के लिए कहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय खेल प्राधिकरण। फिटनेस टेस्ट आयु अनुकूल स्वास्थ्य मानकों के आधार पर तय होगी। 14th क्वेश्चन है हमारा, कैबिनेट ने जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और किस देश के इंटरनेशनल बारकोड ऑफ लाइफ के बीच हुए समझौते को मंजूरी दी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कनाडा। 15th क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस देश ने हाल ही में सुपरसैनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टारपीडो का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भारत। यह प्रक्षेपण एवं प्रदर्शन पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता स्थापित करने में महत्वपूर्ण है। 16th क्वेश्चन है हमारा, स्वीडिश नोबेल कमेटी ने किस देश की कवित्री लुइस ग्लूक को इस वर्ष का साहित्य का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अमेरिका। वर्ष 1968 में कवित्री लुइस ग्लूक की पहली किताब फर्स्ट बोर्न प्रकाशित हुई थी, जिसके बाद वे अमेरिका की जानी मानी समकालीन साहित्यकार बन गई। उनके कविताओं के 12 संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। 17th क्वेश्चन है हमारा, UGC के द्वारा जारी देश के 24 गैर मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों की एक सूची के मुताबिक दिल्ली और किस राज्य में सबसे ज़्यादा फर्जी यूनिवर्सिटी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। इस रिपोर्ट के मुताबिक फर्जी यूनिवर्सिटी में 8 उत्तर प्रदेश और 7 दिल्ली में हैं, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में 2 फर्जी यूनिवर्सिटी हैं। 18th क्वेश्चन है हमारा, भारत की किस आईटी कंपनी ने अमेरिका की एनालिटिक्स कंपनी ब्लू एकॉर्न ICI को खरीदने के लिए $125 मिलियन में डील की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इंफोसिस। इस डील से इंफोसिस कंपनी के ग्राहकों को दी जा रही सेवाएं और बेहतर होंगी। 19th क्वेश्चन है हमारा, फोर्ब्स मैगजीन की इंडिया रिच लिस्ट 2020 में $88.7 बिलियन के नेट वेल्थ के साथ कौन पहले स्थान पर रहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मुकेश अंबानी। वे लगातार 13वें साल से देश के सबसे अमीर व्यक्ति रहे हैं, जबकि इंडिया रिच लिस्ट 2020 में पहली बार टॉप 10 में सीरम इंस्टीट्यूट के साइरस पूनावाला को स्थान मिला है। एक क्वेश्चन है हमारा, जर्मनी की राजधानी बर्लिन में सरकार ने कितने साल में पहली बार नाइट कर्फ्यू लगाया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 70 साल। यहां रात 11 से सुबह 6 बजे तक किसी तरह की कारोबारी गतिविधियां नहीं होंगी, बार और रेस्टोरेंट पूरी तरह से बंद रहेंगे। 21st क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के वरिष्ठतम कार्यकारी निर्देशक एम राजेश्वर राव को किस बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केंद्रीय बैंक। 22 क्वेश्चन है हमारा, 9 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विश्व डाक दिवस। यह दिवस 1874 में स्विट्जरलैंड के बर्न में
यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना की याद में मनाया जाता है। 23 क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किस देश में आयोजित इन्वेस्ट इंडिया सम्मेलन को संबोधित किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कनाडा। ट्वेंटी फोर्थ क्वेश्चन है, नॉर्वे की नोबल कमेटी की अध्यक्ष बैरिट राइस एंडरसन ने WFP को वर्ष 2020 का कौन सा नोबल पुरस्कार देने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नोबल शांति पुरस्कार। 25th क्वेश्चन है हमारा, उत्तर पूर्वी भारत में सड़क निर्माण के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने आवंटित धन बढ़ाकर लगभग कितने गुना कर दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 2 गुना। 26th क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन हाल ही में युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला बन गई हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मिंटी अग्रवाल। 27th क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक के चेयरमैन और CMDR के छिबर का कार्यकाल 6 महीने बढ़ा दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर बैंक। उनका कार्यकाल 10 अक्टूबर 2020 से 6 महीने यानी नए CMD की नियुक्ति तक के लिए बढ़ा दिया गया है। 28th क्वेश्चन है, हाल ही में यूरोपीय संघ की संसद ने किस वर्ष तक 60% उत्सर्जन में कटौती करने के लिए मतदान किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 2030। 29th क्वेश्चन है, किसने हाल ही में GSFC के द्वारा विकसित कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोनेटेड कैल्शियम नाइट्रेट के स्वदेशी किस्म को लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, श्री मनसुख मंडाविया। 30th क्वेश्चन है हमारा, 10 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। 32 क्वेश्चन है हमारा, युगांडा के लॉन्ग डिस्टेंस रनर जोशुआ चेप्टेगेई ने कितने हजार मीटर में 15 साल पुराना रिकॉर्ड 6 सेकंड के अंतर से तोड़ा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 10,000 मीटर। इथोपिया के केनेनिसिया बेकेल ने 2005 में 26:17.53 का समय लिया था। जोशुआ ने इस साल 4 रेस दौड़ी हैं जिसमें 3 में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। उन्होंने मोनाको डायमंड लीग में 5 किलोमीटर कैटेगरी में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। 33 क्वेश्चन है, हाल ही में किसने गश्ती जहाज़ों की आपूर्ति में देरी होने की वजह से RNEL को 2500 करोड़ रुपए का दिया गया ठेका रद्द कर दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रक्षा मंत्रालय। 34th क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य हाल ही में हर ग्रामीण घर में नल कनेक्शन उपलब्ध कराने वाला देश का पहला हर घर जल राज्य बन गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गोवा। गोवा में लगभग 2.30 लाख ग्रामीण परिवारों को कवर राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 100% चालू घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध करवाया है। 35th क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर को किस योजना के अंतर्गत संपत्ति कार्ड वितरित करने की शुरुआत करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्वामित्व योजना। 36th क्वेश्चन है, इनमें से किसने हाल ही में कोयला क्षेत्र में अनुसंधान के लिए वेबसाइट लॉन्च की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कोयला मंत्रालय। कोयला मंत्रालय के सचिव श्री अनिल जैन ने कहा कि
मंत्रालय ने कोयला क्षेत्र में ज्ञान और शोध कार्य के प्रसार और प्रोत्साहन के लिए वेबसाइट लॉन्च की है। इस वेबसाइट को CMPDI की मदद से विकसित किया गया है। 37 क्वेश्चन है, निम्न में से देश ने हाल ही में पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1 का सफल परीक्षण किया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत। यह मिसाइल DRDO द्वारा विकसित की गई मिसाइल है। इस मिसाइल की स्पीड Mach 2 या ध्वनि की गति से दोगुनी है। इस मिसाइल का सफल परीक्षण बालासोर में ITR से किया गया है। 38 क्वेश्चन है, IPFT ने बीज वाले मसालों की फसलों में कीट नियंत्रण के लिए क्या विकसित किया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जैव कीटनाशक। 39 क्वेश्चन है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने छात्रों के लिए STEM कैरियर अवसर तैयार करने के उद्देश्य से किसके साथ साझेदारी की है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, IBM। 40th क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने EPFO मुख्यालय में छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के लिए थोक हस्तांतरण की सुविधा की शुरुआत की है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, श्री अपूर्व चंद। श्रम एवं रोजगार सचिव IAS श्री अपूर्व चंद्र ने हाल ही में EPFO मुख्यालय के छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के लिए थोक हस्तांतरण की सुविधा की शुरुआत की है। 41 क्वेश्चन है, NTPC ने PFL पर 11,061 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन कर देश में कौन सा स्थान हासिल किया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पहला। 42 क्वेश्चन है, 11 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य बालिकाओं के सामने आने वाली चुनौतियों और उनके अधिकारों के संरक्षण के बारे में जागरूकता करना है। इस दिवस की शुरुआत सबसे पहले यूनाइटेड नेशन ने वर्ष 2012 में की थी। 43 क्वेश्चन है, हाल ही में किए गए देश के 17 प्रमुख हवाई अड्डों पर हुए ग्राहक संतुष्टि सूचकांक में किस एयरपोर्ट को 5वां स्थान मिला है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राजा भोज एयरपोर्ट। भोपाल ने रांची, अगरतला, गया एवं सूरत एयरपोर्ट को पीछे छोड़ते हुए राजा भोज एयरपोर्ट ने 5 में से 4.62 अंक प्राप्त कर यह स्थान हासिल किया है। 44 क्वेश्चन है, ब्रिटेन के मिशन द्वारा आयोजित वार्षिक प्रतियोगिता के तहत किस भारतीय युवती को एक दिन के लिए ब्रिटेन की उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चैतन्या वेंकटेश्वरन। 46 क्वेश्चन है, BCCI ने महिला T20 चैलेंज के लिए तीनों टीमों की घोषणा कर दी। यह टूर्नामेंट किस देश में खेला जाएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, संयुक्त अरब अमीरात में। यह टूर्नामेंट 4 से 9 नवंबर के बीच खेला जाएगा। 47 क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के ग्रामीणों के लिए कौन सी योजना को लॉन्च किया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्वामित्व योजना। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीणों को स्वामित्व कार्ड या संपत्ति कार्ड प्रदान करना है, जिससे दलित, पिछड़े और गरीब भाइयों को बहुत मदद मिलेगी। 48 क्वेश्चन है, 11 अक्टूबर को किस भारतीय कार्यकर्ता और राजनीतिज्ञ महापुरुष की जयंती बनाएगी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जयप्रकाश नारायण और नानाजी देशमुख। जयप्रकाश नारायण एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे। इन्होंने संपूर्ण क्रांति नामक आंदोलन चलाया। नानाजी देशमुख एक भारतीय समाज सेवी थे और ये पूर्व में भारतीय जनसंघ के नेता थे। इन्हें वर्ष 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 49 क्वेश्चन है,
19 वर्ष की आयु में पोलैंड की किस खिलाड़ी ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीत इतिहास रचा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए इंगा शिवयोंटेक। इनसे पहले वर्ष 1992 में 18 साल की मोनिका सेलिंस के फ्रेंच ओपन का खिताब जीता था। 50 क्वेश्चन है हमारा, चीन ने किस देश का न्यूक्लियर डील पर समर्थन किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ईरान। चीन ईरान का सहयोगी और 2015 में हुए ईरान परमाणु समझौते में एक पक्ष रहा। 51 क्वेश्चन है, इकॉनमी में तेजी लाने के लिए किसने चार बड़ी घोषणाएं लागू की जिससे कि अर्थव्यवस्था में 1,00,000 करोड़ रुपए की एडिशनल डिमांड पैदा होगी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 12 अक्टूबर 2020 को कोरोना वायरस महामारी से लड़ रही भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए चार बड़ी घोषणाएं की जिनके कारण 1.05 लाख करोड़ रुपए की मांग बढ़ सकेगी। इस योजना में राज्यों को ब्याज मुक्त लोन से 12,000 करोड़ आएंगे। 52 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी जन्म शताब्दी पर पीएम मोदी ने 100 रुपए का सिक्का जारी किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए राजमाता विजया राजे सिंधिया। इनका जन्म 12 अक्टूबर 1919 को हुआ था और 12 अक्टूबर 2019 को इनके 100 वर्ष पूरे होने के बाद जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा था। राजमाता विजया राजे सिंधिया जनसंघ की रेता रह चुकी हैं। 53 क्वेश्चन है, हाल ही में T20 में 10,000 रन बनाने वाले एशिया का पहला बल्लेबाज कौन बने? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए शोएब मलिक। 54 क्वेश्चन है, 12 अक्टूबर को निम्नलिखित में से कौन सा विश्व दिवस मनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वर्ल्ड आर्थराइट्स डे। इसे हिंदी में विश्व गठिया दिवस कहते हैं। इसकी स्थापना वर्ष 1996 को आर्थराइट्स और रूमेटिज्म इंटरनेशनल ने गठिया और मस्कुलोस्केलेटल रोगों जैसी बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों को प्रभावित करने वाले मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए की थी। 55 क्वेश्चन है, किस कांग्रेसी सदस्य ने अपना इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुई? इसका सही आंसर है खुशबू सुंदर। खुशबू सुंदर एक साउथ की कलाकार भी रही हैं जिन्होंने लगभग 200 से अधिक फिल्मों में कलाकारी निभाई है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल एजुकेशन हब को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।